जब श्रीदेवी ने रजनीकांत के मुंह पर थूक दिया। फिल्मों में सीन फिल्माते वक्त कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जब कलाकारों को पूरी जिंदगी इस बात का मलाल रहता है। तमिल फिल्म 16 वे अथिनली की शूटिंग भी कुछ ऐसा ही हुआ जिसका श्रीदेवी को आज भी मलाल है। फिल्म में श्रीदेवी, कमल हासन और रजनीकांत लीड रोल में थे। फिल्म का एक सीन था जिसमें श्रीदेवी को रजनीकांत के मुंह पर थूकना था, लेकिन ये क्या श्रीदेवी ने सच में ही रजनीकांत के मुंह पर थूक दिया? आमतौर पर थूकने वाले सीन के लिए झाग का इस्तेमाल किया जाता है और इस सीन के लिए झाग वाली तकनीक का ही इस्तेमाल किया जा रहा था। कई रीटेक देने के बाद भी सीन सही नहीं हो रहा था और रजनीकांत भी इस तकनीक के पक्ष में नहीं थे। इस सीन के रिटेक से परेशान रजनीकांत श्रीदेवी के पास आए और उनसे कहा, आप मेरे चेहरे पर रियल में थूकिए। पहले तो श्रीदेवी को ये अच्छा नहीं लगा, पर थोड़ा कन्विंस करने पर श्रीदेवी मान गई। उन्होंने बबल गम और झाग को अपने मुंह में लेकर रजनीकांत के मुंह पर थूक दिया। तब जाकर डायरेक्टर भारती राजा को परफेक्ट शॉट मिल पाया।